الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد ناظرين خير مقدم ہے آپ کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ فرامين کے اس پروگرام میں بخاری اور مسلم میں حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ کی एक रिवायत है बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कली मतानी खफी फ़तानी आल लिसान शकीलता फ़िल्मीदान हबीबान सुबहानल्ला वमदी अज़ीम नाज़रीन अल्लाह नदरिन अल्लाब्ल आपको अपनी रहमतों में ढाँपे और बरकतों से नवाजे जो हदीस मैंने आपके सामने रखी है ये नहायत अजीम और नहायत दर्जा सही तरीन हदीस है हज़रत इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दोनों अपनी अपनी सही तरीन किताबों में इस हदीस को लाए हैं हज़रतूरजी अल्लाह रावी हैं। बयान करते हैं कि रसूल अक्रम सल्ह वम ने बैन फ़रमाया दो कलमे क़लिमतान, दो कलमे खफी फतः ने आल लफी फतान बहुत हल्के ख़फ़ीफ़, खफी फतः आल लान जुबान पर नहायत आसान हल्के उसकी अदायगी में किसी तरह की कोई परेशानी किसी को नहीं होती खफी फता ने आल लकीलता फिल्मीदान उनकी खिफत का हाल ये है कि जुबान पर नहायत आसान है लेकिन उनकी सकालत का उनके बावजन और वजनी होने का हाल यह है कि क्यामत के दिन जब अल्लाह हरबुल इजत मीजान आदल कायम करेगा तराजू जिस तराजू में इंसानों के आमाल तोले जाएंगे तो उस तराजू में उनका वजन बहुत शकील और भारी होगा तो दो सिफतें तो ये बतलाई कि जुबान पे बड़े आसान हैं और कयामत के दिन तोल में वजन में मीजान में जब इनको रखा जाएगा तो बहुत भारी हो जाएंगे और ये। ये और नेकियों का पल्ला है और नेकियों का पल्ला अगर किसी का भारी हो जाए तो क्या कहने है? वो तो खुशनसीब आदमी है अल्लाहत की रहमतें उस पर होने ही वाली हैं अब एक बात और बतलाई जो मोमिन के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखती है हबी बता रहमान अल्लाह रबुल्जत को जो चीजें पसंद हैं अब जो चीज़ अल्लाह रबुल्जत को पसंद हो उसके उमदा बेहतर कीमती अच्छा और इंसान के लिए नफा बख्श होने में क्या शक रह सकता है जाहिर है अल्लाह रबुल्जत कोई मामूली चीज को तो पसंद करता नहीं है जब तक वो आला मीर की ना हो और हर एतबार से फोकियत ना रखती हो दूसरी चीजों पर तो अल्लाह रबुलजत उसको पसंद कहां करेगा लेकिन ये दो कलमे दो होने की वजह से कि दो ही है कलमें हैं जुबान पर हल्के और मीजान में भारी होने के बावजूद अल्लाह रबुल्जत को बहुत पसंद है हबीबतानी बता रहमान हबीब है महबूब है रहमान को क्या है वो एक बात याद रखिए कि जब हम वो काम करते हैं जो हमारे रब को पसंद हो तो अल्लाह रबुल्जत हमको पसंद करता है हमारे ऊपर अपनी रहमतें करता है नवाजिशें करता है इनायतें करता है हमारे छोटे से अमल को बहुत बड़ा कर देता है तो फरमाया हबीबता नील रहमान क्या है वो कल में? सुबहान अल्ला वी सुबहान अल्लाम अल्लाह हर आय से पाक है सुबहान अल्ला हर आय से पाक जात अल्लाह की है और उसके कलिमात कलिमाते हमदो सना ये सबसे बेहतर चीज है दुनिया में इसके बराबर कोई चीज नहीं सुबहान अल्ला वह भी हमदी ही सुबहान वाह आदीम वो रहमतों वाला बरकतों वाला अजमतों वाला पावर कुत वाला जिसकी अजमत का कोई ठिकाना नहीं और कोई शोर नहीं कोई खास चीज उसकी अजमतों की हो ऐसा नहीं हर चीज में हर अच्छाई में हर अच्छी चीज में वो अजमतों वाला है उससे बढ़कर कोई नहीं है सुबहान अल्लाह व भी हमदी ही सुबहान अल्लाह तो भाईओ अजीजो छोटे से कलमे हैं हमारे रसूल फरमा रहे हैं हमारे रब को ये बहुत पसंद है जुबान पर आसान है आसानी से आप अदा कर सकते हो देर भी लगती नहीं और ये भारी इतने हैं कि मीजान अमल में जब रखे जाएंगे तो उसका पल्ला छुप जाएगा और रब को बहुत पसंद है और जो चीज रब को पसंद है उसकी अजमतों का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते अल्लाह व भी हमदही सुबहान लजीम तो दिन में रात में सुबह शाम बैठते उठते लेटते हर वक्त आपकी जुबान पर अगर ये कलिमात रहे सुबहानल्ला वह भी हमदही सुबहान अल्ला तो आपकी बड़ाई अच्छाई और रहमतें बरकतें जो आपके ऊपर होंगी उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता तो याद कर लीजिए और अपनी जिंदगी में चलते फिरते कहते रहिए सुबह अल्ला व भी हमदी ही सुबहान अल्लाजीम असलकम वहमत लाही ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें